हमारी कोई पार्टी नहीं है, खाली छोटू सिंह जीत रहा है। कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस का माहौल अच्छा है, अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ तो कोई भी जीत जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे सरकार हम कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उसने कहा था 10 दिन में, राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन में वादे पूरे हो जाएंगे, आपका सब ऋण माफ, कर्ज माफी के लिए कहा, कर्ज माफी के लिए कहा था। सर चुनाव टाइम सब जोर शोर से करते हैं, लेकिन जब वोट खत्म हो जाते हैं उसके बाद में कोई जनता की ओर नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जैसलमेर में हनुमान चौराहे पर हम मौजूद है और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जैसलमेर में आखिर चुनावी मौसम कैसा है। कुछ लोग हमें मिल गए, बातचीत कर रहे थे, तो हमने सोचा कि जान लिया जाए किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आप बताइए, आप लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे? यहाँ छोटू सिंह जीत रहा है, बीजेपी नहीं, छोटू सिंह जीत रहा है। आप कार्यकर्ता है क्या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस के बीजेपी के पास कोई बीजेपी की नहीं है। अच्छा, हमारी कोई पार्टी नहीं है, खाली छोटू सिंह जीत रहा है। क्या वजह क्या है? छोटू सिंह अच्छा आदमी है, ईमानदार है, नेक, अच्छा आदमी, 10 साल में सभी अच्छी, इस कारण से जी, इस कारण से जीत रहा है। अच्छा, जो विधायक मौजूदा सिटिंग विधायक है उनका कार्यकाल कैसा? गंदा बेकार रहा है, कोई काम नहीं है, जातिवाद रहा। अच्छा, जातिवाद हावी रहा। क्या कुछ और काम मुद्दे हैं यहाँ पर? और कोई मुद्दा नहीं है, खाली छोटू सिंह है ये जीतने वाला है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम तखत सिंह है। अच्छा, आपका नाम क्या है? ताऊ जी हुसैन खान। आप बताइए क्या माहौल है यहाँ? हमारे लिए कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस का माहौल अच्छा है, अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, बीमाओं के लिए अच्छा काम किया, दुआओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, सारा काम अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया। अशोक गहलोत जैसा किसने काम नहीं किया, रोडों के बारे में, टू व्हीलर के बारे में, बिजली के बारे में, स्कूलों के बारे में, सारा काम किया जो अशोक गहलोत ने किया। ऐसा अब अशोक गहलोत रूपा नाम को कैंडिडेट बनाया है, रूपा कैंडिडेट जीतेगा, हमारे लिए बहुत कांग्रेस। वो तो भाई साहब अभी कह रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ। ये वो छोटू सिंह के आपके गांव का आदमी है, छोटू सिंह इनका भाई है, इसलिए वो कहता है। अच्छा, भाई बता रहे हैं आप? नहीं, भाई नहीं है सर, हम भाई नहीं, वोटर है, भाई नहीं है। अच्छा, ये हम यहाँ पे खाली छोटू सिंह जीत रहा है, छोटू सिंह जीत रहा हूँ। काके का दिख रहा सगा भाई है, ईमान से, ईमान ईमान से पूछो तो इनके लिए भाई। बैठिए आप ताऊ जी, बैठिए और बातचीत करेंगे। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइम खान जी। हाँ जी, बताइए क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ तो कोई भी जीत जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे सरकार हम कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस को? अच्छा, वजह क्या है? वजह यह शांति की सरकार है, शांति की सरकार, शांति। यहाँ कोई भी जीत जाए, छोटू सिंह जीता है अच्छा है, रूपाराम जीता भी अच्छा है, हमारे सरकार कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहे कैंडिडेट यहाँ से जैसलमेर से कोई भी जीत जाए, आगे जीते तो कांग्रेस सरकार बन जाए, शांति की सरकार है। काम वो भाई साहब कह रहे थे भाई काम नहीं हुए, हम देखते नहीं है काम को, देखते नहीं, धंधा करते हैं, मजदूर काम से लेना देना नहीं, एमएलए से कोई काम पड़ते नहीं हमारा कोई। अच्छा, क्या करते हैं आप? चाहे छोटू सिंह बन जाए, चाहे रूपाराम बन जाए, क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा सर, तो विधायक से कैंडिडेट से कोई काम का नहीं है? हमारा सरपंच भी काम नहीं करता है गाँव में। अच्छा, और ये तो एमएलए है, ये भी काम नहीं करते भाई? ये तो एमएलए तक कौन जाएगा जी? छोटी को पब्लिक जाएगी एमएलए तक? गांव में सरपंच बनता है नहीं, वही भी वापिस आके ध्यान नहीं रखता, तो एमएलए किसी का ध्यान रखेगा? ठीक है, पक्ष पक्ष विपक्ष तो यहाँ सामने ही दिख गया। आपका ताऊ जी नाम क्या है? मेरा नाम कुछ, मेरा नाम नहीं है। अच्छा, बिना नाम के बताइए क्या माहौल है? हमारे को बोलो ना, नहीं आते। अच्छा, क्या माहौल तो बता दीजिए। नहीं नहीं, आप नाराज है? अच्छा, नाराजगी है। आपका नाम क्या है ताऊ जी? मिठे खान। आप कहाँ से? गाँव से हैं या जैसलमेर से ही हैं? छतरेल से। अच्छा अच्छा, तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? ठीक है, माहौल को दिए दुनिया को पता नहीं, बात हम जाते नहीं, सिटी हम घूमते नहीं हैं। अच्छा, फिलहाल मौजूदा सरकार जो रही, जो मुझे तो सरकार, लोग कितने अशोक साहब के बहुत 25-25 लाख और बीमारी के लिए वो फ्री कर दिया, उनका इलाज पूरा फ्री कर दिया, 10 लाख रुपया उनके जो एक्सीडेंट होते आदमी उनका भी फ्री कर दिया, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बहुत उनका और इलाज के दाना का बहुत उनका किया है। मैं सुनते हैं लोग तो कह रहे हैं भाई फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं। एक सब दाना और इलाज, दवाई, टिक्की, जांचा वगैरह सब फ्री कर दिया है, लेकिन सरकार ने बहुत फ़ायदा किया है, और पब्लिक कहाँ जाते हैं उनका पता नहीं है। जो 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 ये फ्री किया, दवाई वगैरह आप कह रहे हैं, टेस्ट वगैरह आप कह रहे हैं,
25 इसका लाभ मिला क्या आपको? बहुत बहुत दुनिया को पूरे के बेचारे मिले हैं, और जो कि ऑपरेशन किसी का हार्ट का होता है, कोई किसी का होता है, हम सुनते हैं, लेकिन बहुत इलाज किया। तो आपको नहीं मिला? हम तो खुदा बचाए हमको बीमारी से। अच्छा अच्छा, आपको जरूरत नहीं पड़ी अभी? जरूरत। और क्या लाभ, कोई सरकार का ऐसी योजना का लाभ मिला? सरकार ये आपने बोल दिया ना, इतना इसमें 25 लाख, 10 लाख और दाना फ्री, और इसमें ज़्यादा और क्या होता है गरीब आदमी को। अच्छा, अब दुनिया कहाँ जाए वो हमारे को पता नहीं है सर। ठीक है, आप बताइएगा आपका नाम क्या था जी? कम ठीक चल रहा है सरकार, तो अभी तक कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है जी। बहुत कार्यकाल अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दोरा नहीं, कोई लोग पक्षपात के लिए कोई अपना पक्ष ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा किया है। क्या मुझे थोड़ा सा मुद्दे बताइए कि ये काम है, देखिए समर्थक भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, विरोधी भी आते हैं, अपने अपने पसंद के जो कैंडिडेट्स हैं, पार्टी है, उनकी बात करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा जानने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आखिर वो ऐसे काम क्या हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर आप कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा हुआ है? ऐसा है कि सार्वजनिक काम बहुत हुआ है, पानी के लिए बहुत नहर का पानी यहाँ तक पहुँचा रखा है, मेडिकल बना रखा है, स्कूल और बच्चियों के स्कूल वगैरह सब कुछ है, सुविधा में कोई कमी नहीं है। एक तो कोई लोग पक्षपात के लिए कोई भागते दौड़ते रहते हैं, जो को गांव है संसार के मुंह के ऊपर हाथ रो नहीं आता, लाके कार्य करने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बार तो कह रहे कांटे की टक्कर इधर है, हो सकती है पब्लिक है। अच्छा, पब्लिक हो सकती है। क्या मुद्दे बन सकते हैं इस बार जब वोटिंग बटन दबाने के लिए मतदाता जाएगा? तो ये है कि रूपाराम जीतेंगे, कई लोग कहे कि छोटे सिंह जीतेंगे, अब तो देखो फैसला तो भगवान करेगा और करेगी पब्लिक, देखो क्या चलता है आगे के लिए। ठीक है, आप भी आइए, आप इधर आइए, आपसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम गिरधारी लाल है। गिरधारी लाल जी, आप कहाँ स्थानीय हैं या आसपास गांव से? नहीं, लोकल हैं। लोकल से हैं। क्या माहौल चल रहा है इस बार जैसलमेर की विधानसभा सीट पर? जैसलमेर विधानसभा में मैं ये मान चलता हूँ कि पिछले 70 सालों में जो जितने भी MLA बने हैं, ये वर्तमान MLA रूपाराम जी पहले MLA हैं जिन्होंने अपना जो विकास कार्ड है वो अपने जनता के सामने रखा, भी मैंने इतना काम करवाया है, आज तक कोई भी MLA ऐसा नहीं कर पाया है। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है। अच्छा। और मेन चीज़ है कि यहाँ जो जैसलमेर है वो पश्चिमी राजस्थान में बहुत बैकवर्ड इलाका है, तो यहाँ पे मुख्य काम है जैसे पशुधन और इसी के लोग डिपेंड है, तो रूपाराम जी ने बहुत ही अच्छा काम किया और घोषित करवा करके उसमें ना कोई कास्ट जातिवाद नहीं देखा उसके अंदर, भी एक आदमी ये फलान जाता फलाना एक कुछ नहीं देखा है, मुख्य काम किया है कि सभी 36 कौम की जाति के साथ लेकर के ये ओरण घोषित करवाना, या दूसरे भी जो भी सार्वजनिक काम गए, व्यक्तिगत काम तो नहीं हो सकते, संभव भी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक काम इस जैसे MLA ने नहीं करवाए हैं 70 साल हो गए। ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है भाई, मैं तो ये नहीं मान जाता मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ या BJP कार्यकर्ता, मैं तो कई बार सपोर्ट करता हूँ मोदी जी को भी, क्योंकि मोदी जी की नीतियाँ अच्छी है, लेकिन धरातल पे जो उनके जो बीच का जो कम्युनिकेशन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो मोदी जी की नीतियाँ अच्छी है लेकिन वर्तमान में रूपाराम जी एक्शन। अच्छा, यहाँ कैंडिडेट जैसलमेर के कैंडिडेट के तौर पर रूपाराम जी ने जो सिटिंग MLA भी अच्छा काम किया है आपने? अच्छा काम किया। अच्छा, मुझे ये बताइए क्योंकि बड़ी नेता वाली भाषा आपकी लग रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं अपने कोई नेता वाली बात नहीं, मैं तो कहा गरीब आदमी हाँ या धरातल में बैठा हूँ, मैं तो मारो मुख्य धंधे यही है, एक खेती और एक पशुपालन, और बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाहर से यहाँ जैसलमेर आगे शिफ्ट होगी, लेकिन रूपाराम उनके आगे नहीं झुके, उन्होंने ये कहा भाई हमारा मुख्य ये काम है कि पशुधन और खेती है, तो हम मैंने ओरण घोषित करवाना वो करवा के छोड़ी है, किसी के आगे दबे नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ। ठीक है, आपका नाम क्या था जी? मेरा नाम जगदीश वाश। आज बैठ जाइए, बैठ कर आराम से बात कीजिए, आप भी बैठे रहिए जी जी। हाँ बैठिए आप जी। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ तो हम तो यही चाहते हैं राज्य प्लस देश के लिए जो भला करे वही नेता है हमारे लिए, और अभी रूपाराम जी है वो भी हमारे लिए अच्छे हैं ऐसी बात नहीं है, मगर विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, डम्बर रोड के लिए उन्होंने शिलान्यास भी लगवाए अपने नाम से लगवाए, मगर सिटी की गलियां अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। अच्छा, तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई काम हो जो ये MLA MP वगैरह ये जैसे देखे काम करें जी। आप आइए भाई साहब, देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, थोड़ा सा बात कर ले, वो पशुधन को लेकर कह रहे थे, देखिए वो भी पशुधन के लिए, पशुधन भी
ये जो बीमारी आई थी उसमें काफ़ी पशुधन भी मरा है और जो भी इनको गोलियां दी गई थी वो सब बाजार से और लोकल दवाएं खरीद के दी गई। लंपी वायरस आया था, लंपी वायरस, उसमें मैं भी चला था, उसमें जो मार्केट से जो पशुधन की जो गोलियां थी वही दी थी और काफ़ी फायदा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं। रूपाराम जी भागदौड़ किया है और यहाँ के लोकल आदमी है और हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट स्टाफ में भी रहे हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, हम उनका अनादर नहीं करते, फिर भी हम यही चाहते हैं कि जो राज्य के लिए अच्छा काम करे या सिटी के लिए जो अच्छा काम है MLA करे, MP करे, वही हमारे लिए सर्वप्रिय है और यूं ही फालतू के घोषणाएं करे वो कोई काम की नहीं है। अच्छा, तो ये जो अभी घोषणाएं साथ गारंटी गहलोत साहब, बकवास है, हम नहीं मानते हैं। काम करे उसी को हम मानते हैं कि वो आदमी अच्छा है। जैसे देश के लिए मोदी काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हम उनको मानते हैं। अब वो जो पहले भी वो अपने ये कांग्रेस के थे मनमोहन सिंह जी, वो ओनली फॉर कुर्सी के लिए बैठे थे, काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा। और आज देश के लिए विश्व पटल में मोदी सबसे ऊपर चल रहे थे, हम उसी को मानते हैं और बाकी हमारा कोई पार्टीबाजी नहीं है, सब व्यक्तिगत वोट है। मैं मुझे थोड़ा सा बताइए, मोदी जी के बारे, मोदी जी का जिक्र किया आपने, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे फैसले उनके हैं और ऐसे काम हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि विश्व पटल पर देखिए मोदी ने जो भी काम किया है वो सभी अच्छा काम किया है। आज मेट्रो भी चलाया और भी कई जगह सुरंगें बनाई, रोडें बनाई, ये सब काम मोदी के लिए अच्छा है। मेट्रो और टनल, सुरंग, ये तो पहले भी सब भी बनती आ रही, पहले भी बनी नहीं, पहले बनती थी, आज वो जो कश्मीर में वगैरह बनी है वो सबसे अच्छी बनी है। अच्छा। क्योंकि जो लॉन्ग टर्न था उसको शॉर्ट करके उन्होंने टनल बनाए हैं। अच्छा। पहले तो जैसे कई जगह बने हैं टनल, ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे शार्प टर्न थे वहाँ पे उन्होंने शार्प टर्न को ख़त्म करके टनल बनाए हैं। और बाकी तो ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि जो देश के लिए हित में काम करे वही हमारा सर्वप्रिय नेता है, राष्ट्र सर्वप्रिय नेता है। चलिए ठीक है, आप तो कह रहे थे भाई रूपाराम जी आप रिपोर्ट कार्ड लेकर आ गए पशुधन का, वो बता रहे हैं लंपी वायरस में क्या कुछ हुआ, दवाइयां नहीं मिल पाई। लंपी वायरस केवल मात्र जैसलमेर जिला एक प्रभावित नहीं है, पूरा वर्ल्ड प्रभावित था इससे। हाँ ठीक है, राजस्थान सरकार की ओर से जितनी मेडिकली ओर से जितना प्रयास किया जाए उतना बहुत है, लेकिन ठीक है, आज का तो हम भाई हर गांव में, हर ढाणी में, हर व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंच सकती है, लेकिन बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट रहा था और हर जगह पहुंचने की कोशिश की है। मेरे खुद ही गांव में, मेरी खुद ही गायें अपना थी, मैं खुद पशुपालक हूं, तो वह लंपी वायरस से पीड़ित हैं, दो गायें मेरी भी है, दो गायें बची भी है, तो ये प्रोसेस में गवर्नमेंट के। वो कह रहे थे ताऊ जी कि भाई ये जो 7 गारंटियाँ सरकार दे रही है ये तो बकवास बातें हैं, काम नहीं हुआ है। देखिए ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं अपने अपने स्तर पे ये बात रख सकता हूँ, नहीं अपने ये बात रख सकता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वर्तमान में जो ये 5 साल का ये जो सत्र बीता है, साल में जितना विकास कार्य एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब ये शिक्षा विभाग और मेडिकल ये और जो आम जन की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको सड़क पर लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव के टाइम पे क्यों याद आ रहा है कि फ्री बिजली और फ्री स्मार्टफोन देना, फ्री फूड पैकेट्स बांटना, ये क्यों 5 साल पहले नहीं कर दिए जब सरकार में आए थे? नहीं नहीं, मैं खुद इससे सहमत हूँ कि ये वर्तमान में जो अभी जो 7 इन्होंने भाई साहब ने गिनाई भाई 7 घंटे दे रहे हैं, तो ये जब चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले इनका काम यही होना चाहिए जो मेन घोषणाएँ हैं, भले कांग्रेस हो भले बीजेपी कोई भी हो, अभी जो मैन्युफैक्चर को जारी करे हमने ये किया, हम अभी वर्तमान में ये कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहले जब चुनाव जीते उसे सबसे पहले यही रखना चाहिए कि हम अभी आगामी 5 साल में ये काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा चुनाव तो ये जो घोषणाएं आप कर रहे हैं चुनावी है महज, इसमें चुनावी तो कह भी नहीं भी सकते, लेकिन इसमें आधी कुछ घोषणाएं हो भी चुकी हैं लेकिन चुनाव के दरमियान कर भी सकते हैं, दोनों पार्टियां कर रही है। ठीक है, दोनों पार्टी कर रहे हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? अनूप सिंह। अनूप सिंह साहब कहाँ से हैं आप? जैसलमेर। अच्छा, क्या करते हैं? मैं तो ड्राइवरिंग करता हूँ सर। अच्छा, ड्राइवरी करते हैं, तो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर बहुत आते होंगे, तो काम वाम कैसा चल रहा है? ठीक है सर, अच्छा है। अच्छा है जी। फिलहाल चुनावों की बात करें तो चुनावी माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर? अच्छा है माहौल सर। कौन किसका इस बार सरकार बनता है देख रहे हैं? BJP की सर। वजह क्या है? वजह कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। कौन से वादे? जो उसने कहा था 10 दिन में, राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन में वादे पूरे हो जाएंगे आपका सब ऋण माफ, कर्ज माफ़ी के लिए कहा, कर्ज माफ़ी के लिए कहा था, आज तक नहीं हुआ उसके। और कोई कानून व्यवस्था यहाँ है ही नहीं, राजस्थान में कानून व्यवस्था का नाम ही नहीं है,
औरतें रात को खुली में घूम नहीं सकती हैं, दिन दहाड़े होते हैं, रेप होते हैं और होते हैं, कई होते हैं ऐसे। यहाँ अगर जैसलमेर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी हैं रूपाराम जी मेघवाल, उसके अलावा छोटू सिंह भाटी बीजेपी से खड़े हैं, तो यहाँ पर कैसी टक्कर देख रहे हैं? यहाँ तो एक तरफी समझो बीजेपी की, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के लिए व्यवस्थाएं की, दो महीने यहाँ सब विधानसभा को पूरी को ला के जैसलमेर में ठहराया था, विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ। वादे तो खूब किए थे लेकिन वो अपने जंजाल में ही फंसे रहे, सरकार के जंजाल में फंसे रहे वो। सरकार तो बड़ा कह रही है, देखिए हम राइट टू हेल्थ लेकर आ गए, इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, बड़े ज़ोर शोर से इसका प्रचार कर रहे हैं। ये सर चुनाव टाइम सब ज़ोर शोर से करते हैं लेकिन जब वोट ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद में कोई जनता की ओर नहीं देखते हैं। सब जगह स्कूल इन्होंने अच्छी बना दी लेकिन मास्टर एक भी नहीं है, मास्टर के बिना स्कूल क्या है? एजुकेशन राजस्थान में जैसलमेर टॉप है लेकिन क्या है? हर स्कूल में आप जाके देखो कोई स्कूल में मास्टर नहीं है। बारहवीं बारहवीं स्कूल हर पंचायत में कर दी, प्रिंसिपल के सीटें खाली है, विषय अध्यापक की खाली है, व्याख्याताओं की खाली है और बहुत ऐसे सीटें हैं जो खाली है, स्कूलें हर जगह कर दी है इन्होंने। आप मुझे बताइए ज़रा, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक हुई है आप? पढ़ाई तो मैं सर दसवीं तक। दसवीं तक है, क्योंकि आप ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं और इसके बारे में ये भी आप देख रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ कितनी कौन सी नौकरी में कितने पद खाली हैं, तो बड़ी जानकारी है आपको। जी सर, मैं बस में रहता हूँ तो मेरे को सब जानकारी हो जाती है। कहाँ पर रहते हैं? यहाँ बस में ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, और बस का मेंटेनेंस भी करता हूँ बस का। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं थोड़ा सा आगे भी चलूँगा, कुछ और भी बात करूँगा। दाऊद जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नक्ताराम नाम है। अच्छा, आप आसपास के गांव से हैं या शहर से ही? यहीं से ही है, जैसलमेर से ही। क्या है चुनावी माहौल ताऊ जी इस बार? और अच्छा है, कांग्रेस तो आएगी आएगी। कांग्रेस आएगी आएगी, कांग्रेस तो आएगी आएगी माहौल। और तो क्या देखा है आपको? तो क्या वजह क्या है इसकी? वजह इसका रूपाराम ने अच्छा काम किया, हर गांव में सिटी में स्कूलों वगैरह हर कोई विकास में कमी नहीं रखी है। क्रिटिसाइज के लोग जो करते हैं और उनको करने दो, वो तो करेगा ही करेगा। हमारा मतलब यही कह, कांग्रेस तो आएगी आएगी। मुझे थोड़ा सा बताइए कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इस सरकार ने किए हैं और रूपाराम जी ने, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने जैसलमेर के लिए क्या कुछ किया, थोड़ा सा बताइए एक दो मुद्दे। देखो, बॉर्डर पे खारा पानी था वहाँ तक मीठा पानी ट्यूबवेल लगवा लगा के पानी घर घर उनको टूटी लगा देखी है जी। और स्कूलों में कोई कमी नहीं रखे, हर गाँव गाँव में स्कूलों कर दी, पाँचवीं की आठवीं कर दी, आठवीं की बारहवीं कर दी, बारहवीं दसवीं की बारहवीं कर दी, ऐसे कोई विकास में कोई कमी नहीं है। अब देखो आगे भगवान पब्लिक क्या फैसला करेगी, वो तो क्या है अंदाज ऐसा लगता है कि आएगा रूपाराम। जैसलमेर सिटी अच्छी लग रही है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसलमेर सीट पर लग रहा है कि कांग्रेस रिपीट करेगी, जैसलमेर सिटी असली है। लेकिन आप बताइए, अब देखिए सरकार की अगर बात करें, सरकार राजस्थान में तो चुनावी परिपाटी रही कि पाँच साल में सरकार बदलती है, कांग्रेस कह रही है इस बार रिपीट करेंगे। हमने बहुत विकास किया है, गरीबों के लिए किया है, हर जगह का किया है, कोई विकास में कमी नहीं है। देखो इंसान की खैर बहुत गहरी होती है, वो भरी नहीं जाती। जो हम लोग तो मजदूरी करते खाते, हम लोगों ने तो पाँच पैसे की उम्मीद नहीं रखी है। जो खाने वाला है लोग उनको अच्छा नहीं लगता है भाई, उनको हम लोगों को ऐसा ऐसा नहीं दिया है। अच्छा अच्छा, जो ये फ्री वाली जो घोषणाएं कर रहे हैं गहलोत साहब, बीजेपी या विरोधी कह रहे हैं कि भाई देखिए रेवड़ी बांट रहे हैं चुनावों के टाइम में, पहले क्यों नहीं किया? ये जो इलाज मुफ्त किया आज से 15 साल पहले से दवाइयाँ फ्री कर रखी है, 25-25 लाख का बीमा करवा के रखा है हर तरह का। और अब तो चुनाव के टाइम क्या, चुनाव तो दो तीन निकल गए, उनसे पहले उनका यही मुद्दा चल रहा है जी। हमें आगे तो देखो, भगवान देखे क्या होता है जी। सरकार तो किसी की पड़े, मैं क्रिटिसाइज किसकी नहीं करता हूँ। सेंटर ने भी अच्छा विकास किया है लेकिन देखो आज प्रधान साहब के मोदी जी भी आगे से बजट देता है तो रुकता 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 रुकता, जैसे कि नल का पानी रुकता रुकता पीछे तक पहुँचता है। तो ऐसा मुद्दा है, हर लोग तो कर्मचारी वगैरह पहले तो आपकी सोचेगा, बाद में पब्लिक की सोचेगा, ऐसा मामला चल रहा है। देखो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हनुमान सर्कल पर हम खड़े हुए थे जैसलमेर पर, तो यहाँ चर्चाएं चल रही थी, सोचा चौपाल में शामिल हो लिया जाए और जान लिया जाए जैसलमेर में क्या मिजाज है जनता का और किसे जनता जिता रही है। आगे भी चलेंगे, दिखाएंगे आपको कौन जीत रहा है। कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ टीवी 9 राजस्थान के लिए मैं
भविष्य त्यागी। I really like it, yeah. स्टेबिलाईजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबिलाईजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाईजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबिलाईजर के साथ। V-Guard, India's number one स्टेबिलाईजर। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।